स्टूडेंट YouTube के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है और इसके इन्वर्जन आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक जो है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो बात करें व्हाट इज डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, होता क्या है, कंडीशन क्या होती है इसके लिए। तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है इट इज़ ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ फोर वार चैन मैकेनिज्म, जिसके अंदर फोर लिंक और फोर पेयर होते हैं, फोर लिंक प्लस फोर पेयर। अब इसमें फोर पेयर कौन से होंगे, टू टर्निंग पेयर होंगे प्लस टू स्लाइडिंग पेयर। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, गेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया, आपको इस टाइप का ऑप्शन देगा, बोलेगा ये जो है किस टाइप का क्रैंक चैन मैकेनिज्म है, या फिर यहाँ पे मैंने बताया था तीन होगा और वन होगा तो वो किस टाइप का मैकेनिज्म है, या फिर यहाँ पे फोर और फोर टर्निंग पेयर होंगे तो किस टाइप का मैकेनिज्म है। तो एक होगा हमारा कौन सा, फोर बार चैन मैकेनिज्म, एक होगा हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और एक होगा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो होता क्या है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म चैन मैकेनिज्म वह मैकेनिज्म होता है जिसमें चार लिंक होती हैं और चार पेयर होते हैं। उनमें जो चार पेयर होते हैं वो चार पेयर दो टर्निंग और दो स्लाइडिंग होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक स्लाइडिंग और बढ़ा दिया, लेकिन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या था, यहाँ पे तीन टर्निंग थे और एक स्लाइडिंग था। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, अ काइनेमैटिक चेन विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्निंग पेयर एंड टू स्लाइडिंग पेयर इज नोन एज डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। ठीक है, अब ये होता किस टाइप का है इसको हम समझते हैं। ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये इस टाइप का मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म का यूज़ क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ट्रेमलन, है ना, इलिप्टिकल ट्रेमल बोलते हैं इसको, जिसका यूज़ क्या करते हैं, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग इलिप्स, इलिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा, इट इज़ अ इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। और ये कब होगा, जब हम स्लॉटेड प्लेट फिक्स करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्लॉटेड प्लेट। ठीक है, तो स्लॉटेड प्लेट इसे बोलते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा है हमारा, ये मैकेनिज्म डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें क्या करेगा, ये आपके इसमें नंबर ऑफ लिंक की बात करें तो पहली लिंक ये हो गई, दूसरा ये, तीसरा ये, दोनों अलग अलग हैं ये, है ना। इसमें ये जो है ये स्लाइडर है, दोनों स्लाइडर अलग है, और ये तीसरी चौथी लिंक ये है। ठीक है, तो ये चौथी लिंक है, टोटल फोर लिंक है इसके अंदर। और प्लस अगर इसमें हम बात करें पेयर की, तो यहाँ पर देखो इस लिंक के इसके लिंक के रिस्पेक्ट में एक टर्निंग पेयर मिलेगा, इस लिंक का इस लिंक के रिस्पेक्ट में एक टर्निंग पेयर मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्लाइडिंग की, तो एक स्लाइडिंग पेयर ये है, एक स्लाइडिंग पेयर है, तो दो टर्निंग प्लस दो स्लाइडिंग और उसके बाद चार लिंक, तो ये क्या है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इस टाइप के मैकेनिज्म बना के देखे गए और फिर उनकी स्टडी की गई, और स्टडी करने के बाद फिर उनको इम्प्लीमेंट किया गया मशीन्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जैसे हम चीज़ों को रिड्यूस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ों के मोशन को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दो आपको रिसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहे हैं, इससे पहले हमको एक रिसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा था। तो ये क्या करता है, पहले इसमें जाएगा, फिर ये इसमें घुसेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर तो ऐसे घूमेगा ये। तो ये किस हिसाब से घूमेगा और क्या बनाएगा ये देखते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पर सामने देखेंगे ये इस मैकेनिज्म के बारे में, ये इट इज़ ऑल्सो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल, है ना। इसमें क्या होगा, देखो ये इस टाइप से ये दो लगे हुए हैं स्लाइडर, ये पूरा जो है पूरा स्लॉटेड है, ये इसके अंदर घूम रहा है और ये चारों तरफ इलिप्स बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से, इस हिसाब से ये वर्किंग करता है और क्या करता है, ये इलिप्स ड्रॉ करता है।
तो इट इज़ नोन एज डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर क्या होता है, ये चीज़ याद रखना है आपको मेन। अब इसके इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहला इन्वर्जन होता है इसका इलिप्टिकल ट्रेमल्स, डबल एम एल एस ट्रेमल्स, इलिप्टिकल ट्रेमल्स बोलते हैं इसको। इसका यूज़ कहाँ करते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड फॉर ड्राइंग इलिप्स, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर वाले एक वीडियो में बताया है ना। द इन्वर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिनने मैथ्स पढ़ रखा होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो इलिप्स इस टाइप का होता है। ये इसकी मेजर एक्सेस होती है, ईडी में भी पढ़ते हैं हम, ये माइनर एक्सेस होती है, इसकी मदद से हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं। और इस इलिप्स का आपने यूज़ देख रखा होगा वो, जैसे ब्रिजेस वगैरह हैं, ब्रिज जो बोल रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है, ये अगर इसकी बात करूँ, ये जो इलिप्टिकल ट्रेमल जो है इसी टाइप का होता है। ये जो है इसमें क्या होता है आपका, ये स्लॉटेड फिक्स होगा और ये इस टाइप से स्लाइड करेगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर ये इस हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पेंसिल लगी होगी, ये लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, ये जैसे ही करेगा तो ये घूमेगा इस हिसाब से, यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ करेगा, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले एक वीडियो में बताया, मैं एक बार और दोबारा दिखा देता हूँ, ये इस हिसाब से वर्किंग करेगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इट इज़ कॉल्ड डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि हमारा इन्वर्जन है ये किसका, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। फर्स्ट इन्वर्जन है जैसे हम बोलेंगे इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है और इसका यूज़ इलिप्स को ड्रॉ करने में क्या करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, इसका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस यूनिट का, जो कि होगा इन्वर्जन ऑफ, सेकेंड इन्वर्जन एंड थर्ड इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि बेस्ड है हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के और इन्वर्जन, और उसके बाद इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।